देखिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी दोनों बैठे हुए तो एक आवाज आती है वृक्ष से, और वो क्या आती है आप सुनो, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल हर पात पे श्री राधे राधे। रुक्मिणी जी ने कहा कि पत्नी में और जयकारे राधे के नाम के लगते हैं, ब्रज के राजा आप हैं और रानी मैं हूं, तो ये राधा के नाम के जयकारे क्यों लगाए जाते हैं? तो रुक्मिणी जी ने एक प्रश्न किया, प्रभु कौन है ये राधिका, प्रभु कौन है ये राधिका जिसके ख्वाबों में खोए रहते हो, दुनिया रटती है कृष्ण कृष्ण तुम राधा ही राधा कहते हो। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम पूछना चाहती हो कि राधा कौन है, कि राधा है धारा प्रेम की जो इस ब्रज के अंदर बहती है, इस दिल के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधिका रहती है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। लेकिन रुक्मिणी जी सहन नहीं कर पाई, और कोई भी पत्नी सहन नहीं कर सकती है पराई नारी की उनके सामने बड़ाई की जाए, तो रुक्मिणी जी सहन नहीं कर सकी, एक लोटे में खोलता हुआ गर्म दूध लिया और राधा जी के पास लेकर के गई, कहा इसे शीघ्र पी लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए भेजा है। तो हुआ क्या आप सुने, कबो थी पियोगिन श्याम की उस आस में ही जी गई, गर्म दूध रुक्मिणी ने दिया उस दूध को राधा पी गई। रुक्मिणी ने देखा पलट के तो जाके भी लाले पड़ गए, और गर्म दूध राधा ने पिया इधर कन्हैया के छाले पड़ गए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। रुक्मिणी जी पैरों में गिर गई कि प्रभु हमें माफ कर दीजिए, मैं आपके प्रेम को नहीं पहचान सकी। कन्हैया जी बोले कोई बात नहीं है। राधा जी बोली अपने हालचाल बताइए। कन्हैया जी बोले हालचाल बताएंगे लेकिन आज आप गिनती गिनोगी और हम बताएंगे। तो राधा जी ने कहा एक, कन्हैया जी बोले एक मेरा दाऊ भैया, राधा जी ने कहा दो, और मेरी दो दो मैया, देवकी जी और यशोदा जी, राधा जी ने कहा तीन, तीन नेत्र वाला भोलेनाथ है। तो उठाए एक बार हाथ भोले बाबा के लिए और जोरदार ताली बजाते हुए 1 2 3 4 और मेरी दो दो मैया, तीन नेत्र वाला भोले। तीन के बाद गिनती कितनी आई, गिनतियों का याद रखना, कितनी आई, चार मुख वाले चोर मन में लजे, पांच पांच पंडा मेरे संग में सजे, पांच के बाद छठ पूज मारी प्राण पूतना सजे, और सातों स्वरों से मेरी बांसुरी बजे। अब गिनती कितनी आई, चलते रहे भैया। आठवों में हूं छैया, चराई बन बन गैया, आठवों में हूं छैया, चराई बन बन गैया, ग्वालों की टोली मेरे साथ, एक मेरा गाऊ भैया और मेरी दो दो मैया, तीन नेत्र वालो भोलेनाथ है। जय हो, ताली बजा के।
आठ के बाद गिनती कितनी आई? नौ प्रकार की हम भक्ति से मने, दसों दिशा के हमने राक्षस हने, गेंद बल्ला खेले हम ग्यारह जने। क्रिकेट की एक क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? ग्यारह खेलते हैं ना। गेंद बल्ला खेले हम ग्यारह जने। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रिकेट का खेल इंग्लैंड से शुरू हुआ है, ये भी गलत है। ये भी ब्रज से ही शुरू हुआ है, क्योंकि हमारी माता मैंने गाती है के काली देह पे खेलन आयो री मेरो सुरदियो चौदह बरस वास मथुरा में कियो, पंद्रह दिन को कृष्ण पक्ष प्रेम रस पियो और सोलह कला से अवतार जब लियो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म सोलह कलाओं से हुआ है। सोलह कला से अवतार तब लियो, हुई मेहरबानी हम पे बाबा नंद की, सत्रह बार भाजी पलटन जरा सिंध की। महाभारत का युद्ध हुआ अठारह दिन, अठारह दिन लड़े लड़ैया नाए उन्नीस रवैया, बीसों नौ की कमाई दोनों हाथ। एक मेरा दाऊ भैया और मेरी दो दो मैया, तीन सवारों बोले नाथ है। और ये जो भजन लिखा हुआ है वो मेरे बड़े भाई रामवीर जी का लिखा हुआ है। अगर भजन आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। अगर भजन अच्छा लग रहा है तो इक्कीस बार
21 बार फरसे का प्रहार करके 22 सुरतियां सवार करके 23 अवतार अब तक धार करके 24 में का विचार करके 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार जिस युग में हम और आप जीवन जी रहे हैं वो कल्क देव भगवान का अवतार होगा, वो भी संबल के अंदर। 24 में का विचार करके अब कन्हैया जी बोले, राधे जी पड़िए अधबर में नैया, हे राधे पार लगैया, जोड़ करके कहता दोनों हाथे, एक मेरा दाऊ भैया और मेरी दो दो मैया, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए, भोलेनाथ है 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 सच्चे दरबार की।